बेगूसराय जिले की साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव के समीप उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने गंगा नदी में एक युवक के शव को तैरते देखा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से शव को बाहर निकाला और छानबीन में जुट गई, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि आज जब समस्तीपुर पंचायत के लोग गंगा के जलस्तर को देखने के लिए गंगा घाट की ओर गए, उसी दौरान कुछ मछुआरे गंगा नदी में मछली मार रहे थे। मछुआरों ने गंगा की धार में बहते हुए एक युवक के शव को देखा। इसके बाद मछुआरों के सहयोग से शव को किनारे तक लाया गया। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसी ने युवक की हत्या की है या फिर गंगा में डूबने से उसकी मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और हर बिंदु पर जांच कर रही है। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। की नाम छुआ हमारे पिसान केना लहास देख लो तो सब कौन यह बोला सब भाषा लावे तब तो ही निकाल दो। चौकीदार का आग निकाल दो। निकाल दिए। और कोई मदद किया ग्रामीण की मदद से? तो अभी तक पहचान हुआ लहास का पहचान हुआ? नहीं, कहाँ पहचान बनाया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।